हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके आईफोन में बार्स की कमी है, नेटवर्क बार्स कम आते हैं, इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे केस में फुल बार्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैंने अभी सेटिंग्स कर रखी है अपने आईफोन में। तो वो आपको क्या सेटिंग्स करनी है अपने आईफोन के केस में, जो कि आपके भी बार्स फुल हो जाएं, चाहे आप इंडोर कंडीशन में हो, चाहे आप आउटडोर कंडीशन में हो। सो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है, जो लो नेटवर्क इश्यूज़ रहती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी आप देख सकते हो मैं फुली इंडोर कंडीशन में हूँ, तो मेरे यहाँ पर जो बार्स हैं वो फुल आ रहे हैं, बिल्कुल अंदर बेसमेंट टाइप में हूँ मैं। सो इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है, ये मेरा आईफोन 10 है जिसमें कि अभी तक नेटवर्क इश्यूज रहते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि फ़ोन थोड़ा पुराना हो गया है। सो कैसे फिक्स करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। तो चलो सबसे पहले आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है और फिर आप यहाँ पर देख सकते हो वाईफाई और ब्लूटूथ की जो भी सेटिंग्स रहेंगी, इस जो मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें रीसेट हो जाने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें। आपका फ़ोन नहीं रीसेट होगा, टेंशन ना लो, जस्ट आपके जो नेटवर्क्स रहेंगे वो रीसेट हो जाएंगे। सबसे पहली सेटिंग्स ये है कि आपको करना है अपने फ़ोन में से सिम कार्ड को बाहर निकालना है। सो आप अपने पिन लो, अपने फ़ोन में से सिम कार्ड को बाहर निकालो और क्या करना है, अपने आईफोन की जो सिम कार्ड है क्या ऐसा होता है कि वो जो जिसके ऊपर कनेक्शन रहता है सिम कार्ड्स के ऊपर, वो जो है थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं। सो उस चीज़ को बिल्कुल क्लीन करना है सिम कार्ड को अंदर से, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्बन वगैरह रहती है वो जो है इसके कनेक्शन को सक्सेसफुल नहीं होने देती। सो अगर सिम कार्ड नहीं चल रही तो इस प्रॉब्लम का फिक्स आप ये भी कर सकते हो कि सिम क्लीन करके निकाल कर दोबारा डाल सकते हो, तो हो सकता है चल जाए। सो यहाँ पर तो जियो की सिम कार्ड मैंने जो है इंस्टॉल अगेन कर ली है और अब आपको करना है सबसे पहले अपने फ़ोन को रीस्टार्ट। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप अपने फ़ोन को वो कर सकते हो, एयरप्लेन मोड के ऊपर डालकर दोबारा से हटा सकते हो। तो मैंने कर लिया है अब स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ करने के बाद में अब आपको अपने फ़ोन को 2 से 3 सेकंड्स के बाद में ऑन करना है, पहले इसको अच्छी तरीके से स्विच ऑफ हो जाने दो। सो यहाँ पर आईफोन 10 16.4 के अपडेट के ऊपर तो चल रहा है, लेकिन इसको कम्प्लीटली सारे के सारे फीचर्स नहीं आ रहे हैं, इसका निचोड़ नहीं निकल रहा। सो नो डाउट अच्छी बात है, ठीक है, आईफोन चल रहा है बड़े आराम से, कोई लैग नहीं, कोई ज़्यादा हैंग नहीं हो रहा, डे टू डे यूजेज में हमारा आईफोन जो है गुड परफॉर्म कर रहा है। सो अभी ये मैंने जो है बूट कर दिया है हमारा आईफोन, और जब ये फ़ोन ऑन हो जाता है तो अगर आपको बार्स जो है आपके फुल हो जाते हैं तो वेल डन, अगर नहीं होते तो अगली सेटिंग्स परफॉर्म करनी है। सो जस्ट होल्ड ऑन, लेट इट बूट फर्स्ट। सो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो आईफोन है वो अभी ऑन हो रहा है। सो जस्ट इसे ऑन होने देते हैं, तो ये हो गया हमारा आईफोन सक्सेसफुली ऑन, और इसके बाद में आपको जो है फ़ोन को अनलॉक करना है। अभी आप देख सकते हो ऑन होते ही हमारे जो बार्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो गए हैं। सो फ़ोन को अनलॉक करो और उसके बाद में अगर आपके बार्स फुल नहीं होते हैं तो आपको जाना है अगेन सेटिंग्स में और फिर आपको जाना है जनरल सेक्शन में और यहाँ पर स्वाइप अप करो तो आपको नीचे शट डाउन और ट्रांसफ़र और रीसेट की ऑप्शन देखने को मिल रही है। टेंशन ना लो, रीसेट नहीं करना है फ़ोन को, ट्रांसफ़र एंड रीसेट वाले सेक्शन में जाओ और यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक करो। रीसेट ऑल सेटिंग्स नहीं करना है, रीसेट सिर्फ नेटवर्क्स करने हैं। सो नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करो, अपने फ़ोन का पासकोड एंटर करो और अपने फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर दो। ये ऐसा लगेगा कि फ़ोन हमारा रीसेट हो गया है, क्योंकि वो एप्पल लोगो दिखाएगा या फिर अगर आप ऑल सेटिंग्स करोगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। सो इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है उसमें जो वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट रहेंगे वो सारे के सारे जो है डिसकनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको जो है दोबारा से, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फ़ोन ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा फ़ोन रीसेट हो गया है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका डेटा डिलीट नहीं होने वाला, आपका जस्ट नेटवर्क रीसेट हुए हैं। सो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी जो सिम कार्ड है, जिस भी APN एक्सेस पॉइंट नेटवर्क्स के ऊपर चल रही है, वो रीसेट हो जाएगा, दोबारा से सिम कार्ड जो है नेटवर्क स्कैन करेगी, जिसके कारण आपका जो आईफोन है शुरू से वो अपने नेटवर्क्स को कैच करेगा, फ्रेश रीस्टार्ट मिलेगा अपने आईफोन की मॉडम को। सो इससे आपका आईफोन जो है फ्रेश काम करना शुरू करेगा, तो आपके बार्स जो हैं वो कोशिश करेगा कि फुल नेटवर्क खींचे आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में जो मॉडम लगा है वो। सो अब जो है फ़ोन ऑन हो रहा है, तो इसको वेट करते हैं फ़ोन ऑन होने की, और जैसे ही ऑन हो जाता है तो आपको जो है एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि डेटा मेरा वैसे का वैसे ही है, वो डिलीट नहीं हुआ। आप देख सकते हो फुल
ए टू जेड फोटोज़, वीडियोज़, एप्लीकेशंस, ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें यहीं पर हैं। बस जो चेंज हुआ है तो वो ये चेंज हुआ कि आपके जो वाईफाई कनेक्शंस कनेक्टेड थे उनका पासवर्ड जो है रिमूव हो गए हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ ये टास्क परफॉर्म करना है और आपका ऑलमोस्ट जो है ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। कॉल फेलियर का इशू भी इसी तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। सो अब आप देख सकते हो बार्स जो है पहले 3 हो रहे थे वो भी होना बंद हो गए हैं, अब 4 के 4 बार्स ही रह रहे हैं मेरे फ़ोन में। सो ये है एक सिंपल तरीका कि आप कैसे अपने आईफोन के नेटवर्क्स को फुल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।